महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही पश्चिमी राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि पुणे और लातूर में एक एक मरीज का पता चला है। एक सरकारी बुलेटिन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में दो नए ओमिक्रॉन वेरिएंट मामलों का पता चला है। एक मामला लातूर में और दूसरा पुणे में पाया गया है। ताज़ा मामलों के साथ राज्य में ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 20 हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 40 हुई है। दो नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 40 पहुंच गई है। महाराष्ट्र के अलावा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं, जबकि राजस्थान से 9 संक्रमणों की सूचना मिली है। कर्नाटक और गुजरात में 3-3, इसके बाद दिल्ली में 2 मामले सामने आए हैं। केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 मामला सामने आया है। पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी नए वेरिएंट की पहचान। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कई बार उत्परिवर्तन का नतीजा है। कोविड के अधिक संक्रामक रूप B.1.1.529 के बारे में पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया था। इसके बाद बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों में इसकी पहचान की गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।